अगर आपने कभी 2000 रुपीज़ के बजट के साथ अगर बेस्ट गेमिंग माउस जो है मार्केट में सर्च किया होगा या फिर अमेजोन पर सर्च किया होगा तो आपको पता ही होगा कि तीन सजेशन जो है आपको सबसे पहले जो है वो दिखे होंगे। एक होगा लॉजिटेक G402, दूसरा होगा लॉजिटेक G102 एंड तीसरा होगा रेजर डेथ हेडर एसेंशियल, जिसमें से पहले दो का रिव्यू जो हम ऑलरेडी कर चुके हैं। आज बारी है रेजर डेथ हेडर एसेंशियल की। इसकी जो प्राइस है वो अप्रोक्स 1500 रुपीज़ के आसपास जो है वो इंडियन मार्केट में रहती है एंड ये जो है वो इसकी मैक्सिमम प्राइस है। अगर किस्मत अच्छी रही तो इससे कम प्राइस में भी जो है खरीदने के लिए मार्केट में आपको मिल जाएगा। सो इन दिस वीडियो मैं आपके साथ शेयर करूंगा कि इस गेमिंग माउस के साथ मेरा जो है 1 वीक का गेमिंग एक्सपीरियंस कैसा रहा एंड कम्पेयर टू अदर बेस्ट सेलिंग गेमिंग माउस ये जो है कहाँ पे स्टैंड करता है। सो हेलो, नमस्कार, वेलकम, सत श्री अकाल, केम छो, यू आर वॉचिंग द रिव्यू ऑफ रेजर डेथ हेडर एसेंशियल। स्टार्टिंग विद द बॉक्स कंटेंट, एक यूजर मैनुअल है। गेम खेलने से थोड़ी फुर्सत मिल जाए तो एक बार जरूर पढ़ लीजिएगा क्योंकि अगली बार UPSC के एग्जाम में शायद ये आ सकता है। बाकी ट्रेंड को फॉलो करते हुए ब्रांडिंग स्टिकर है, रेजर का लोगो है, लैपटॉप या फ्रिज कहीं पे भी लगा लो तो अच्छा ही दिखेगा। तो फर्स्ट थिंग जो मुझे इस गेमिंग माउस में अच्छी लगी वो है इसकी डिजाइन एंड बिल्ड क्वालिटी। रेजर गेमिंग की दुनिया में अपने प्रोडक्ट की डिजाइन को लेकर काफी पॉपुलर है एंड ये आपको इस गेमिंग माउस के साथ जो है फर्स्ट इंप्रेशन में ही पता चल जाता है। वैसे कहने के लिए काफ़ी सिंपल डिज़ाइन है, ज़्यादा कुछ ओवरलोड यहाँ पे नहीं किया गया है, सिंपल लुक है बट क्लासी फील जो है वो देता है एंड बिल्ड क्वालिटी भी इसका सबसे बड़ा जो है प्राइम पॉइंट है। ओवरऑल बिल्ड क्वालिटी माउस की बहुत अच्छी है, चाहे हम बात करें आउटडोर बॉडी की या फिर इसके बटन्स की। एक प्रीमियमनेस जो है बिल्ड क्वालिटी में आपको ईजिली फील होती है। बाकी कंपेयर करें लॉजिटेक G402 तो उसके कंपेयर में मुझे इसकी बिल्ड क्वालिटी थोड़ी ज़्यादा अच्छी लगी। तो 2000 रुपीज़ में इसे आप जो है एक सबसे बेस्ट बिल्ड क्वालिटी वाला गेमिंग माउस जो है वो कह सकते हो। इसके जो बटन्स हैं एंड जो स्क्रॉल व्हील है उसकी क्वालिटी स्पेशली मुझे जो है वो ज़्यादा अच्छी लगी। टोटल 5 बटन्स आपको इसमें मिलते हैं इंक्लूडिंग स्क्रॉल व्हील। 2 बटन्स लेफ्ट साइड में है, राइट साइड एम्प्टी है क्योंकि ये ओनली राइट हैंड गेमिंग माउस है। सभी बटन्स को आप जो है सॉफ्टवेयर से प्रोग्राम कर सकते हो। साइड बटन की प्लेसमेंट मुझे पर्सनली काफ़ी अच्छी लगी, प्लस उसका जो कर्व शेप है वो काफ़ी ईजी बना देता है उसको यूज़ करने में। क्लो ग्रिप के साथ इसे यूज़ करना काफ़ी कंफर्टेबल हो जाता है एंड ज़्यादा सॉफ्ट नहीं है तो एक्सीडेंटली प्रेस होने का डर जो है यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं है। यहाँ पे आपके पास कोई क्विक DPI शिफ्ट बटन इसमें आपको नहीं मिलेगा एंड जो प्राइमरी स्विच है वो ऑफकोर्स ओमरॉन की है एंड एक अच्छी क्वालिटी ईजिली जो है इसमें फील भी होती है। काफ़ी स्मूथ है एंड काफ़ी साइलेंटली जो है ये वर्क करती है। एक साउंड डेमो जो है आपको यहाँ पे छोटा सा मैं दे देता हूँ ताकि आपको इसकी वॉइस एंड क्वालिटी का जो है वो आइडिया आ जाए। जो इसका केबल है वो है 1.8 मीटर लॉन्ग, नॉर्मल केबल है बट अच्छी क्वालिटी का है तो डोंट वरी, आसानी से टूटने वालों में से ये बिल्कुल भी नहीं है। RGB की बात करें तो ये कोई RGB गेमिंग माउस नहीं है, सिंगल LED का ऑप्शन आपको यहाँ पे मिलता है, वही रेजर का ऑफिशियल ग्रीन कलर जो आपको रेजर की ब्रांडिंग एंड स्क्रोल व्हील पे जो है वो मिल जाएगी। मिनिमम LED लाइट एंड ग्रीन कलर का जो रेजर के साथ जो ब्रांडिंग में इफेक्ट मिलती है उसके साथ मुझे नहीं लगता कि आपको यहाँ पे RGB लाइट की कोई कमी जो है वो लगेगी। बाकी इसके सपोर्टिंग सॉफ्टवेयर में आपको लाइट ऑफ करने का, ब्राइटनेस लेवल एडजस्ट करने का एंड ब्रीथिंग इफेक्ट ऑन ऑफ करने का ऑप्शन जो है वो मिलता है। अब सबसे ज़रूरी कंफर्ट की बात करें तो गेम में माउस जो है आपका सबसे बड़ा वेपन होता है एंड अगर आप अपने वेपन के साथ जो है वो कंफर्टेबल नहीं है तो गेम आपके लिए वहीं पर जो है वो ख़त्म हो गई। लाइक अदर रेजर गेमिंग माइक, इसकी यूनिक डिज़ाइन काफ़ी कंफर्टेबल है फॉर क्लो एंड पाम ग्रिप के लिए। आपका हैंड साइज चाहे स्मॉल हो या बिग, आपको क्लो एंड पाम ग्रिप में कंफर्ट को लेके कोई भी प्रॉब्लम इसमें नहीं आएगी। इवन फिंगर टिप यूज़र के लिए भी काफ़ी ये जो है कंफर्टेबल साबित होता है। बट अगर आपकी हैंड साइज जो है थोड़ी सी स्मॉल है तो फिंगर टिप यूज़ आपके लिए ये इतना इस माउस में कंफर्टेबल नहीं होगा। इवन पाम यूज़र के लिए भी जो है स्मॉल हैंड वालों को थोड़ा सा ये अनकंफर्टेबल जो है वो लग सकता है, बट स्टिल फिंगर टिप यूज़ में ये लॉजिटेक G402 से थोड़ा बेटर कंफर्ट जो है वो प्रोवाइड करता है। बट ऑनेस्टली बताओ तो कंफर्ट के डिपार्टमेंट में इसमें और लॉजिटेक G402 में फ़र्क करना लगभग जो है वो इम्पॉसिबल है। दोनों ही कंफर्ट में जो है बेस्ट है, लेकिन अगर फिर भी आप जो है मुझे मम्मी कसम देके बताने के लिए कहो तो मैं कहूँगा कि सिर्फ थोड़ा सा G402 कंफर्ट में इससे बेटर है।
बाकी वेट की बात करें तो इसका जो वेट है वो अप्रोक्स 95 ग्राम है विदाउट वायर। G402 से अप्रोक्स 10 ग्राम जो है कम है, G102 से 10 ग्राम ज़्यादा है। तो ना ये ज़्यादा बल्की है ना ज़्यादा ये लाइट वेट है, मेरे एक्सपीरियंस में कहूँ तो आइडियल है CSGO, Valorant एंड PUBG PC के लिए। एंड बॉटम साइड में आपको जो है PTFE फिट दिए गए हैं, तो माउस की मूवमेंट काफ़ी फास्ट एंड स्मूथ है। तो ओवरऑल जो है मैं इसे और G402 को 2000 रुपीज़ के प्राइस बकेट में जो है बेस्ट कंफर्टेबल माउस में से एक गिनूंगा। सॉफ्टवेयर की बात करें तो इसका जो सॉफ्टवेयर है वैसे तो काफ़ी अच्छा है एंड इजी टू यूज़ है, लाइक Logitech G Hub सेंट्रल सॉफ्टवेयर है। रेजर के सारे माउस एंड कीबोर्ड जो है दूसरे एसेसरीज भी जो है इसी सॉफ्टवेयर से कंट्रोल होते हैं। इस पर्टिकुलर माउस सेटिंग में आपको जो है सारे बेसिक ऑप्शन मिल जाएंगे लाइक DPI सेटिंग एंड पुलिंग रेट सेटिंग। इसके अलावा बेसिक LED सेटिंग भी आपको यहाँ पे मिलेगी एंड बटन कस्टमाइजेशन तो डेफिनेटली आपको इसमें मिलेगा। की माइक्रो एंड दूसरे एडवांस ऑप्शन जो है आपको इसमें नहीं मिलते हैं, बेसिक सेटिंग है एंड ये जो है मोर देन इनफ है। बट स्टिल रेजर को जो है सॉफ्टवेयर साइड में थोड़ा सा यहाँ पे वर्क करने की ज़रूरत है क्योंकि जी हब जो है इससे थोड़ा सा ज़्यादा बेटर है एंड स्मूथ भी है। अब फाइनली सबसे ज़रूरी गेमिंग परफॉर्मेंस की बात करें तो इसमें आपको जो है Pixart का PAW3328 सेंसर मिलता है। 32-bit ARM प्रोसेसर है, कौन सा प्रोसेसर है वो पता नहीं है, बट 200 से 6400 तक की DPI रेंज जो है आपको ये सेंसर ऑफर करता है जो कि मोर देन इनफ है एंड G40 से थोड़ी सी ज़्यादा है। ट्रैकिंग स्पीड 220 है इसकी जो कि G402 से काफ़ी कम है। बाकी पुलिंग रेट जो है इसका 1000 हर्ट्ज मिल जाता है एंड लिफ्ट ऑफ डिस्टेंस जो है इसका 2 mm से कम है। एंड एक क्वेश्चन जो कमेंट में कोई ना कोई डेफिनेटली जो है मुझे पूछने वाला है कि क्या इससे ड्रैग क्लिक जो है पॉसिबल है कि नहीं, तो कुछ यूट्यूब पे आपको कुछ बच्चों के वीडियोस डेफिनेटली देखने के लिए मिल जाएंगे जो दावा करते हैं कि ये ड्रैग क्लिक जो है इसमें पॉसिबल है। बट मेरे इस इंडियन वर्जन में मैंने टेस्ट किया तो ड्रैग क्लिक आई थिंक यहाँ पे सपोर्ट इस माउस में नहीं है, तो मैं उनका क्लेम जो है वो कन्फर्म नहीं करता हूँ बट मेरे हिसाब से इसमें नहीं है। बाकी एक बेटर CPS आपको जो है इस गेमिंग माउस से मिल जाती है एंड 3328 जो है वो एक अच्छा सेंसर है जो कि Pixart का सबसे बेस्ट सेंसर तो नहीं है बट एक डिसेंट जो है आप इसको सेंसर कह सकते हो। इस प्राइस रेंज में जो है आप एक अच्छा सेंसर यानी कि एक बेस्ट सेंसर जो है इसे कह सकते हो। बट ये बात भी है कि आप ये सेंसर जो है अब काफ़ी पुराना हो गया है, G402 का जो सेंसर है वो भी जो अब काफ़ी पुराना हो गया है। तो ओवरऑल जो है ये एक अच्छा एंड डिसेंट गेमिंग माउस है एंड बिगिनर कोर गेमर एंड एक कैजुअल गेमर के लिए जो है एक आइडियल ऑप्शन है। इन इसी रीजन से Geekman की जो बेस्ट गेमिंग माउस अंडर 2000 रुपीज़ की जो लिस्ट है उसमें ये सेकंड नंबर पे है एंड 1500 रुपीज़ की लिस्ट में ये फर्स्ट नंबर पे है। यस, फर्स्ट पे जो है G402 है, ज़्यादा डिफरेंट वैसे दोनों में नहीं है बट G402 जो है आपको एक बेटर क्लिक रिस्पॉन्स जो है वो प्रोवाइड करता है, बटन भी आपको उसमें ज़्यादा मिलते हैं, सॉफ्टवेयर भी जो है थोड़ा अच्छा है, तो इसलिए जो है वो फर्स्ट पोजीशन पे है। और जैसा कि कहा यहाँ पे माइनर ही जो है दोनों में गैप है, तो दोनों ही जो है एक अच्छे बेस्ट गेमिंग माउस जो है कहलाएंगे अंडर 2000 रुपीज़ की प्राइस रेंज में। तो ये था मेरा डिटेल रिव्यू, आई होप कि आपको इस वीडियो से जो है काफ़ी हेल्प मिली होगी। वैसे मैंने डिटेल रिव्यू करने की कोशिश की है, हो सकता है कि कुछ मिस हो गया हो लेकिन कोई नहीं, कमेंट सेक्शन में आप जो है बिंदास होकर मुझे पूछ सकते हो, मैं जितनी जल्दी हो सके आपको रिप्लाई देने की कोशिश करूँगा। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक एंड शेयर करना ना भूले, बाकी टाइम रहे तो सब्सक्राइब बटन भी प्रेस कर दिया करिए। तो चलिए आज के इस वीडियो में इतना ही, कल फिर मिलूंगा एक नए रिव्यू वीडियो के साथ, तब तक के लिए।